देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। मेष, बिना सोचे समझे निर्णय न लें, फालतू खर्च होंगे, कलह की आशंका है, चोट चोरी आदि से हानि हो सकती है, चिंता तथा तनाव में रहेंगे, जोखिम न लें, आंख में पीड़ा हो सकती है। वृषभ, आपके अंदरूनी विवाद उभर सकते हैं, भय तथा चिंता का वातावरण बना रहेगा, बकाया वसूली होगी, यात्रा से लाभ तथा निवेशादि मनोनुकूल रहेंगे, परिजनों का साथ मिलेगा। मिथुन, समाज में प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कारोबार में नए अनुबंध उन्नति के सहायक होंगे, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, नई योजना बनेगी, अस्वस्थता रहेगी, चिंता रहेगी, संतान सुख संभव है। कर्क, राजनीति में जो भी निर्णय लें सुविवेक से लें, धर्म कर्म में आस्था रहेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, गृहस्थ सुख मिलेगा, विवाह में आ रही रोक खत्म होगी, धन आगमन होगा। सिंह, मन में किसी बात से उलझन है, क्रोध की अधिकता से तनाव रहेगा, कहा सुनी हो सकती है, चोट चोरी विवाद आदि से हानि की आशंका है, जोखिम न लें, दूसरों से अपेक्षा न करें। कन्या, परिजनों के साथ व्यापारिक अनुबंध सोच समझ कर लें, समाज में नाम होगा, राजकीय सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, निवेशादि मनोनुकूल रहेंगे, कुसंगति से हानि होगी। तुला, कार्यस्थल पर अधिकारियों से भय तथा चिंता का वातावरण बनेगा, पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति होगी, परिवार की चिंता रहेगी। वृश्चिक, नौकरी करें या व्यवसाय, दुविधा की स्थिति निर्मित होगी, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, परिश्रम अधिक होगा। धनु, आगामी योजनाओं की रूपरेखा बनेगी, धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका रहेगी, विवाद आदि से क्लेश होगा, अस्वस्थता रहेगी, अति विश्वास नुकसान देगा। मकर, मानसिक चिंता से मुक्त हो और अपने करियर पर ध्यान दे, अस्वस्थता रहेगी, संतान की चिंता रहेगी, भय तथा तनाव रहेंगे, प्रयास सफल रहेंगे, धनागमन होगा। कुंभ, प्रिय मेहमानों का आगमन मन को आनंदित करेगा, कारोबार में नए लोगों से संपर्क होगा जो आगे लाभ देगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे, भागदौड़ अधिक होगी, प्रयास अधिक होंगे। मीन, अध्ययन के कार्यों में आ रही परेशानी दूर होगी, संतान के भविष्य के प्रति चिंतित रहेंगे, आध्यात्मिक उन्नति संभव है, धनार्जन स्रोत में वृद्धि होगी, संचित धन का निवेश संभव है, यात्रा सुखद रहेगी।